गुड मॉर्निंग एवरीवन. लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमने 7 पार्ट तक हमने किया था. इस वीडियो में हम यानी 8 पार्ट करेंगे. ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट है. तो चल हम स्टार्ट करेंगे इसको. हमारा क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स का स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 है. तो राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, एक्स माइनस 3 का होल क्यूब है. तो इसको हम कंपेयर करेंगे एक्स का स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और ए डस नॉट इक्वल टू 0. ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. तो इसके साथ हम ये जो क्वेश्चन है उसको हम कंपेयर करेंगे. तो चलो हम देखते हैं कि जो हमारा दिया हुआ जो फॉलोइंग इक्वेशंस है वो यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है क्या नहीं सबसे पहले. फिर इसके बाद जो लास्ट में हमें क्वेश्चंस जो आंसर आएंगे इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं. तो हम लेफ्ट साइड को एज इट इज लिखेंगे सोल्यूशन. लेफ्ट साइड को हम एज इट इज लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और जो x माइनस 2 का होल क्यूब है इसको हम फॉर्मूला पुट करेंगे यानी a माइनस b का होल स्क्वायर. जो पहले वाले क्वेश्चंस पे हमारा क्या था, a प्लस b का होल क्यूब था. अब हम a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे. तो हमें इसका यानी फॉर्मूला हमें पता है कि a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर इसके बराबर होता है. तो चलो हम इसको पुट करते हैं इसमें. तो इक्वल टू a क्यूब मींस x क्यूब माइनस b क्यूब मींस 2 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर मींस x स्क्वायर इनटू 2 प्लस 3 मैं यहां लिखती हूं 3 a means x b means 2 का स्क्वायर. तो चलो हम इसको सबसे पहले सॉल्व करती हूँ. तो हमारा क्वेश्चन क्या था, x क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x क्यूब 2 का क्यूब कितने किसके बराबर होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 प्लस सॉरी माइनस 8 माइनस 3 टू जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 2 टू जा 4, 4 3 जा 12 एक्स के बराबर होता है. फिर इसके बाद हम जो ये जो x वाला जो राइट हैंड साइड वाला सारा टर्म्स हम शिफ्ट करेंगे इस साइड में. तो एक्स क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर जस्ट वेट 4x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 जो माइनस जो यहाँ पे प्लस x है ये माइनस बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाला सारा टर्म प्लस बन जाएंगे माइनस 6x सॉरी प्लस 6x का स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो x वाला टर्म है ये खत्म हो रहे, जो x क्यूब है प्लस है, ये जो x क्यूब है माइनस वेट ये क्या था हमारा x क्यूब था ना, ये दोनों आपस में क्या हो रहे कट हो रहे, ये दोनों क्या हो रहे यहाँ पे आपस में कट हो रहे. फिर इसके बाद जो हमारा जो x स्क्वायर वाला टर्म्स है उसको हम क्या करेंगे अभी माइनस करेंगे. जो यहाँ पे हमारा 4x का स्क्वायर है प्लस 6x का स्क्वायर हमारे यहाँ पे माइनस था, सॉरी हमने शुरू से यहाँ पे प्लस लिखा है माइनस, यहाँ पे भी क्या है माइनस और यहाँ पे भी क्या आएंगे माइनस आ जाएंगे. तो हमारी यहाँ पे जो माइनस 4x का स्क्वायर है प्लस 6x का स्क्वायर, जो एक छोटा नंबर से अगर हम बड़ा नंबर को माइनस करने से साइन हमारा क्या आ जाते हैं माइनस आ जाएंगे 2x का स्क्वायर आ जाएंगे. तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएंगे 2x का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, फिर x स्क्वायर वाला को हो गया हमारा. अब हम देखेंगे कि हमारा जो x वाला टर्म्स है, x वाला टर्म हमारे यहाँ पे भी है एक
यहाँ पे हमारा 12x है और यहाँ पे x है, तो हम इसको क्या करेंगे आपस में माइनस, तो माइनस एक्स प्लस 12x इक्वल टू हमारे क्या आएंगे 13x आएंगे, मगर माइनस आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो माइनस वाला टर्म्स को हमने क्या किया आपस में ऐड किया, तो हमारे यहाँ पे क्या आएंगे 13x प्लस ये जो 1 है जो ऐड के साथ हम ऐड करने से क्या आ जाएंगे हमारा 9 हो जाएंगे इक्वल टू 0। तो हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस यहाँ पे बन रही है, तो हम अगर हम इसको हम कंपेयर करेंगे ए स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ए डस नॉट इक्वल टू 0 के साथ अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर बन रही है, तो एक्स स्क्वेयर ए यानी हमें 0 नहीं आना चाहिए। तो हमारा ए क्या है हमारा 2 है, हमारा बी क्या है हमारा माइनस 13 है, और सी हमारा क्या है 9 है। अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर किया तो यहाँ पे हमारा हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, दैट मीन्स यानी ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस इट इज अ QUADRATIC क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, EQUATION इक्वेशंस। तो ये क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन से एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, तब तक आप लोग हमसे बने रहिए। अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट है तो आप लोग मुझे यानी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी। तो होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो आप लोग मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, सी यू वेरी सून।